Yes, hello, Mr. Arpit. Welcome on Eurpedia platform, and let's start your heat transfer snap for your final HPCL interview. Yes, Arpit, sir. What is heat transfer? Sir, heat transfer is a flow of energy due to temperature difference, sir. Heat always flows from high temperature to low temperature. Variable thermal conductivity kya hota hai? Sir, variable thermal conductivity means, sir, x के साथ सर conductivity vary करती है, तो जिसके कारण सर जो प्रोफाइल बनती है टेम्परेचर प्रोफाइल वो पैराबोलिक सी बनती है, तो सर इसी को सर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। टेम्परेचर के साथ वेरी करती है इन एक्स डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक में और होमोजेनियस में क्या डिफरेंस है, लाइक व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल? सर आइसोट्रोपिक मटेरियल सर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें जो प्रॉपर्टी है वो किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। बट सर जो होमोजीनियस मटेरियल होते हैं उनमें प्रॉपर्टी सभी पॉइंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन पे सर सेम होती है, अदरवाइज सेम नहीं रहती है प्रॉपर्टी। अच्छा अर्पित, सपोज इफ वी कंसीडर ए मेटालिक प्लेट। यस सर। एक मेटालिक प्लेट है जिसमें एक हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यस सर। इफ यू कंसीडर द वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, मींस द कंडक्टिविटी ऑफ द दैट मेटालिक सरफेस इज चेंजिंग विद टेम्परेचर, सो व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल यू विल गेट अर्पित? Can you draw that temperature profile? Yes, sir. I try. You got my question, Arpit? Yes, yes. So x direction में conductivity vary कर रही है ना? कोई भी direction ले लो, any direction you can take. X or from means left to right or right to left. Sir, ये जो ऊपर वाला figure है, ये सर बता रहा है कि x डायरेक्शन में कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और ये वाला बता रहा है सर कांस्टेंट कंडक्टिविटी कर्व ऊपर जाएगी, ये स्लोप जो है स्लोप बढ़ जाएगा। नहीं सर, स्लोप बढ़ जाएगा फिर मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब स्लोप बढ़ रहा है फिर जीरो हो जाएगा फिर बढ़ेगा नेगेटिव। नहीं स्लोप बढ़ेगा नहीं सर, मतलब थोड़ा सा फिगर मेरा इसको और स्लोप इसका नीचे करना चाहिए था सर, वैसे ये डिक्रीजिंग स्लोप का लाइन होगी सर, ये वाली इस तरीके से होगी सर, ये है तो सर ये ऐसे जाएगी सर इस तरीके से, ये सेकंड वाला। अच्छा ये स्लोप बढ़ रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है सर स्लोप। स्लोप बढ़ रहा है ना, ये दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग है सर। हां इंक्रीजिंग है। अच्छा व्हाई द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? यस सर। मींस एट हाई टेंपरेचर में मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई टेंपरेचर पे ज्यादा होती है कम होती है? सर मेटालिक टेम्प उसकी तो सर कंडक्टिविटी कम होती है सर हाई टेम्परेचर पे, तो कंडक्टिविटी कम है तो स्लोप ज्यादा होना चाहिए वहां पे या कम होना चाहिए? सर कंडक्टिविटी कम रहती है तो स्लोप भी सर कम रहना चाहिए। आर श्योर? कंडक्टिविटी और स्लोप क्या है, डीटी बाई डीएक्स? कंडक्टिविटी एंड डीटी बाई डीएक्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो सर स्लोप कम रहना चाहिए, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है तो स्लोप कम रहना चाहिए। यस सर। बट कंडक्टिविटी तो कम है हाई टेम्परेचर पे। यस सर, क्योंकि मॉलिक्यूल का सर वाइब्रेशन बढ़ जाता है। हाँ तो फिर स्लोप तो ज्यादा नहीं होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कम होना चाहिए? यस नहीं सर, आई एम अनेबल टू। यस सर। तो कुछ चेंजेस करना चाहोगे आप इसमें? सर आई एम नॉट गेटिंग दिस एट दिस मोमेंट सर। ओके अच्छा अर्पित, हीट जनरेशन क्या होता है? व्हाट इज हीट जनरेशन? सर जब इंटरनल बॉडी, मतलब बॉडी के इंटरनल में सर हीट प्रोड्यूस हो उसको सर हीट जनरेशन कहते हैं। वो ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकती है, या सर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो इंटरनल, उसके कारण डिसिपेट हो सकती है सर एनर्जी इंटरनल टू आउटर एक्सटर्नल साइड पे। ओके आप कैन यू राइट द जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन अर्पित इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? यस गो ऑन। यस सर। डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाय के जनरलाइज्ड तो नहीं है, ये किसके लिए? तो आप ये तो वन डायमेंशनल है ना, वन डी के लिए है सर। यस सर। चलो कोई बात, ठीक है। आप मेरे को बताओ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है?
सर कांटेक्ट रेजिस्टेंस, सर जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहती हैं तो उसके कारण क्या रहता है सर, एयर अगर इन बिटवीन है तो उसके कारण सर एयर का कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो सर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इन द फॉर द हीट फ्लो सर, इसी को सर कांटेक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। गुड, अरे मेरे को ये बताओ व्हाट वी कैन डू टू डिक्रीज दैट कांटेक्ट रेजिस्टेंस, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? सर कांटेक्ट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सर हम अगर जैसे उसको पॉलिश कर दें सर तो रेडिएशन रेजिस्टेंस सर जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा सर। रेडिएशन नहीं, ये तो कंडक्शन रेजिस्टेंस है ना। अच्छा पॉलिश कर दें, अच्छा और क्या कर सकते हैं? और सर कंडक्टिविटी सर बढ़ा दें सर, नहीं कंडक्टिविटी तो नहीं होगा सर, कंडक्टिविटी सर यस सर अगर हाई कंडक्टिविटी का मटेरियल लेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी कम होगा। अच्छा आपने खुद तो बताया था कि जो 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 दो सर्फेसेस हैं उनकी कोई सर्फेस रफनेस की वजह से वहां पे क्या है, एयर है, दैट्स व्हाई देयर इज सम कांटेक्ट रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग। यस सर। तो अगर उस एयर को रिमूव करके वहां पे कोई ऑयल फिल करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो तो कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कांटेक्ट रेजिस्टेंस नहीं? एयर को हटा के कुछ ऑयल लगा दे सरफेस पे तो एयर तो वहां से हट जाएगा तो कोई ना कोई ऑयल आ जाएगा एंड दैट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस, है कि नहीं? या आप सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं, यू कैन डिक्रीज द सरफेस रफनेस ताकि एयर आए ना बीच में, बहुत हाईली सरफेस फिनिश को बढ़ा के आप कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, नहीं सर? अच्छा आप मेरे को बताओ विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है अर्पित? सर विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सर जैसे सर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारा वेवलेंथ होती है रेडिएशन की वो सर कम होती जाती है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ पे सर वेवलेंथ का जिस पॉइंट पे सर मैक्सिमम एनर्जी रहती है जिस वेवलेंथ पे तो उस वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर ऑफ दैट पॉइंट वो सर कांस्टेंट रहता है उसका प्रोडक्ट टेम्परेचर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना आपने क्या सर? ग्रीन हाउस इफेक्ट? यस सर। तो बताओ कुछ इसके बारे में अर्पित। सर जो सन होता है ना सर वो हाई टेम्परेचर पे रहता है तो वहां से जो रेज आती हैं तो वो हाई वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ की रहती हैं तो सर वो इजिली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, बट सर जो अर्थ है उसमें सर कई सारी गैसेस भी रहती हैं और जब रेज आती हैं सर तो उसका टेम्परेचर डाउन होने के कारण उस वेवलेंथ जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं तो वेवलेंथ सर बढ़ जाती है, तो सर वो जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं उसको वापस पेनिट्रेट नहीं कर पाती कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, तो सर इसके कारण जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर राइज करने लगता है सर हाई वेवलेंथ रेडिएशन के कारण, तो इसी को सर ग्लोबल इसीलिए सर ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके अरविंद, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नसेल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर? सर नसेल्ट नंबर से सर हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालते हैं, तो एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच निकालते हैं सर, तो इसीलिए सर ये यूज होता है नसेल्ट नंबर। एच निकालते हैं क्या, यही सिग्निफिकेंस है बस? ये सिग्निफिकेंस तो नहीं है, तो चलो एक आप यूज कर रहे हो नसेल्ट नंबर को, नसेल्ट नंबर बिकॉज यू आर डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ एच। यस, बट दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है ये उसका। सर नसेल्ट नंबर से सर हम सब चलो अर्पित, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, आप मेरे को बताओ थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है? सर थर्मल डिफ्यूजिविटी सर अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये कंडक्टिविटी अपॉन डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट रहता है, और सर मेनली ये सर मोमेंटम ट्रांसफर बताता है सर कि कितना इजीली जो एयर है उसमें पार्टिकल का डिफ्यूजन हो पा रहा है ताकि हीट अच्छे से इजीली वो हो पाए सर, डिफ्यूज हो पाए ऊपर को जितना तो ज्यादा। हीट का ट्रांसफर क्या एयर में ज्यादा होता है? नो सर, एयर मतलब सर किसी फ्लूइड मीडियम में सर। अच्छा गैसेस के लिए थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा होता है या लिक्विड्स के लिए ज्यादा होता है?
if we'll compare air and water, which one will have more thermal diffusivity? सर थर्मल डिफ्यूजिविटी सर वाटर की ज्यादा रहेगी क्योंकि सर जो एयर है उसकी कंडक्टिविटी कम रहती है सर. Are you sure about that? रहेगी रहनी चाहिए या है? सर एयर की कंडक्टिविटी कम है तो इस कारण सर उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी कम रहेगी सर. अच्छा मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ. थर्मल डिफ्यूजिविटी वाटर की ज्यादा होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है सर, ठीक है, या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, आई एम नॉट वेरी श्योर. सर थर्मल डिफ्यूजिविटी सर वाटर की ज्यादा होगी सर. ज्यादा होगी, यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट? यस सर. चलो ठीक है अर्पित, मैं आपको फीडबैक देता हूँ अभी. यस सर. देखो थोड़ा सा आप, वैसे तो आप जो आपका डिलीवरी स्टाइल है ना वो तो ओके है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट एज सच, आप नर्वस नहीं थे पूरे इंटरव्यू के दौरान. तो yes, थोड़ा सा कंटेंट आप अपग्रेड कर लोगे ना अर्पित तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये. ओके सर. तो कॉन्फिडेंस है बट आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ना गलत आंसर कर दिए या आप आंसर नहीं कर पाए. यस सर. जैसे वो शुरू का क्वेश्चन था थर्मल, जो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी वाला, वो गलत बनाया आपने, वो कर्व ऊपर नहीं बनना था, नीचे वाला बनना था. यस सर. नॉन मेटल्स के लिए ऊपर वाला बनेगा, मेटल्स के लिए नीचे वाला कर्व बनेगा. मैंने मेटेलिक प्लेट दिया था ना आपको अर्पित, मेटेलिक प्लेट. यस सर. यस सर. तो ध्यान रखना है कि कैसा प्लेट दिया है, ठीक है? यस सर. दूसरा एक दो क्वेश्चन आपने और गलत आंसर किए, एक लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपने गलत आंसर किया. जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है ना वो गैसेस के लिए ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स. और एटलीस्ट सुनना जरूर, अगर ऐसा इंटरव्यू कोई आपको ऑप्शन दे रहा है तो यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू थिंक कि अगर ऑप्शन दे रहे तो तीनों हो सकते हैं, आर गेटिंग? फिर आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, एंड देन इट इज बेटर टू चूज कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज आई व्हेन यू आर कंक्लूडिंग समथिंग फर्स्ट टाइम ओनली, आप आज ही निकाल रहे हो ना इसको. यस सर. पहले आपने ऐसा नहीं किया, देन हाउ यू कैन बी श्योर अबाउट दैट? यस सर. ये तो गलत चीज बताएगा ना आपका, मतलब जो चीज आपने नहीं भी की जीवन में पहले उसको आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड यू आर श्योर अबाउट दैट, दैट इज नॉट राइट एक्चुअली. आर गेटिंग अर्पित? यस सर. यस सर. तो अगर आपने पहले किया हुआ है एंड देन यू आर अनेबल टू रिकॉल, देन आल्सो इट इज बेटर टू गेस, एंड देन इट इज यू कैन मेंशन कि सर आई एम गेसिंग बट आई एम नॉट वेरी श्योर, कि ऐसा होना चाहिए, तब ये सेकंड ऑप्शन लेना चाहिए था आपको अगर आपने पहले ट्राई किया हुआ है. यस सर. पहले ट्राई भी किया हुआ है और अभी भी आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, देन ओनली यू टू से कि सर आई एम वेरी श्योर कि यही होना चाहिए, बट आपने पहले किया भी नहीं हुआ था और आपने उसको उस वाले ऑप्शन पे चले गए कि मैं श्योर हूँ, वो फिर नेगेटिव हो जाएगा. गैसेस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी तो कम होता है बट उनका हीट कैपेसिटी भी तो कम होता है ना, रो सीपी. यस सर. यस सर. तो गैसेस का थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा होता है. एक्चुअल में क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी अपने को बताता है कि हाउ फास्टर ए फ्लूइड इज गोइंग टू पिक द सर्फेस टेम्परेचर. यस सर. तो हीट ट्रांसफर तो लिक्विड्स में ज्यादा होता है बट जो गैसेस है ना, गैसेस बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. इफ यू आर पासिंग एयर ओवर ए हॉट सरफेस, इट इज गोइंग टू टेक द सरफेस टेंपरेचर वेरी क्विकली. जल्दी पिक कर लेगी तो क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी. बट पानी अगर सरफेस के ऊपर से जाएगा तो वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा. यस सर. सर सरफेस टेम्परेचर एक्वायर नहीं करेगा. सही है, मेरे माइंड में आया था कि स्पेसिफिक हीट तो वाटर की बहुत ज्यादा रहती है तो फिर नहीं होना चाहिए वो. हाँ तो फिर गैस, फिर श्योर मत हो ना उसके बारे में फिर, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और आपने गलत आंसर किए थे दिस टाइम, लेट मी रिकॉल. मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, ओके चलो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन मैं अभी मिस कर रहा हूँ मैंने, बट आपने वो ठीक आंसर नहीं किया था. तो कंटेंट, ओवरऑल कंक्लूजन ये अर्पित, आपको कंटेंट अपना अपग्रेड करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है? मैराथन क्लास देख लो एक बार, वॉच हीट ट्रांसफर मैराथन क्लास, ठीक है? लिसन टू सम ऑफ द सब्जेक्ट स्नैप, तीन चार स्नैप सुन लो और एक एक दो स्नैप और लगाना मेरे साथ. फिर अभी रिवाइज करके ना, टेक ए गैप ऑफ वन टू डेज, रिवाइज, वॉच मैराथन क्लास एंड देन अगेन यू कैन गो फॉर सम स्नैप्स. ओके सर. विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सही बताया था सर? वो ठीक बताया था आपने, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ठीक बताया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप ठीक बता रहे थे. ओके सर.